हेलो मार्को फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम दोनों भी खैरियत से हैं। तो आज मार्को फैमिली आप लोगों के लिए एक हम नई मूवी विच इज रिलीजिंग ऑन 23rd of December, जिसका नाम है सर्कस, वो लेके आ रहे हैं। और आगे दानिश आपको बताएंगे। ये रणवीर सिंह की मूवी है, जो कि एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं और बहुत देर से इनको देखते आ रहे हैं। तो डे बाय डे इनकी जो मूवीज़ हैं उसके अंदर इनके जो क्या कहते हैं, जो जितने भी स्किल्स हैं वो एक्शन एक्शन मूवीज़ में भी आए हैं, कुछ फ़नी मूवीज़ में भी आए हैं। उसके बाद सिम्बा इन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी, जो सिंघम से और रिलेटेड रोहित शेट्टी जो है वो आई गेस इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर हैं वो। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और और एंड तक ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन होने जा रहा है। सो लेट्स सी द रिएक्शन। रोहित द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मैन। अच्छा, इलेक्ट्रिक मैन। गोलमाल थ्री और गोलमाल रिटर्न्स के बीच में करेक्टर था। सिम्बा भी वो मैंने बताया है ना, सिम्बा का बड़ी अच्छी लगती है। ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं। ये जरा 3D लुक दी है मूवी को। समझ नहीं आता ये जो मेरे साथ होता है उसे क्या कहेंगे। कुदरत का करिश्मा कहेंगे और क्या कहेंगे। अभी तो ऐसे बहुत से करिश्मे देखने बाकी हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक मैन इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं डेली तुमसे झूठी बोलता हूँ। पता नहीं, शायद बोलती भी होगी। आप कौन है बहन जी? बहन जी समुंदर में शू शू करने से सुनामी। ये दिल वाले वाला कैरेक्टर है। डुगरी में तुम्हारे डैडी अजीबो करीब हो गए, तो हम अजीबो अमीर हैं। यार इसके बहुत अच्छे मूवी लगते हैं डायलॉग। लोग बड़ा होके एक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, तो जनरेटर बन गया। इलेक्ट्रिक वेव जाने तो कहते हैं जनरेटर बन गए। बिंदु को देखकर भी नहीं लगता कि आप उसके पाप होंगे। वीडियो से अच्छा और ग्राफिक बहुत अच्छा है। कलरफुल वीडियो बहुत है। मुझे लग रहा है डबल कैरेक्टर डालेंगे। तुम दोनों को मैं अपनी आंखों से देखा है, तेरा नहीं हूं मैं। अच्छा, उन्होंने दीपिका के भी शॉर्ट्स डाले हैं इसमें। ये गोलमाल का 23rd December को रिलीज हो रही है। ये विसल वाला जो है ना वो गोलमाल का है। हाँ। सो गाइज, ये सर्कस मूवी तो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत कलरफुल और इसके अंदर ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। और इसके अंदर जो थीम उन्होंने दिया है वो लाइक
पुराना थीम दिया हुआ जिसके अंदर पुराने हीरोज को दिखाया, जैसे कलरफुल होता था बहुत सारा, GTA San Andreas वाले ग्राफिक्स नहीं है, नहीं लेकिन वो उन्होंने जितने भी पुराने कोर्ट और जितने भी डिजाइनिंग उन्होंने की हुई थी वो ओल्ड एक कल्चर बताया था। वो दिलवाले मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसका भी एक सीन बीच में डाला हुआ, और जिस तरह वो एंड पे गोलमाल की उन्होंने वो विसल का म्यूजिक डाला हुआ था, तो वो मतलब ये सारे कोलैब्स करते हैं आपस में। तो एहतशाम इनके अंदर जो करेक्टर्स थे उनके बारे में, मैं मेन करेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। इसके अंदर रणवीर सिंह है और इसको उन्होंने रोहित शेट्टी ने प्रोड्यूस किया है विट्टी सीरीज, और जॉनी लिवर है इसमें, जैकलिन फर्नांडिस है, पूजा है, वरुण है और मुकेश तिवारी है। इसके अलावा भी बहुत करेक्टर्स हैं जिनके नाम अभी याद तो नहीं और है, शाम ये सारे के सारे ही फनी मूवीज का फनी करेक्टर्स हैं ये सारे। और गाइज ये 23 दिसंबर 2022 को रिलीज हो रही है, सो यू गाइज मस्ट वॉच इन सिनेमाज और इस डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर भी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है और बहुत फनी है, फैमिली मूवी है सबसे बड़ी बात, और मुझे तो बड़ा मजा आया देख के। सही, ये सही बात है। तो गाइज इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।